गाइस, आप सभी को जैसे पता है कि बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी कभी छोटा होता है, बट हमें उसके बारे में नहीं पता होता, इसलिए हमें प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। वैसे आप सभी को जैसे पता है कि आपका डॉग जैसे बाहर की लकड़ियाँ खाता है, गोबर वगैरह कभी खाता है, कभी घास वगैरह खा लेता है, या फिर कभी कभार पत्थर वगैरह कंकड़ वगैरह भी खा लेता है। वो चाहे बड़े डॉग हो, छोटे डॉग हो, या फिर आप नए पपी लाते हो, वो क्यों ना हो, सारे डॉग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं आपको पता होना चाहिए। और ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि इससे आपके डॉग के पेट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभार क्या होता है कि बाहर की गंदगी चीज़ें खाने से बीमार पड़ता है, फिर दवाखाने ले जाना पड़ता है, इसको इंजेक्शन लगते हैं, कभी कभी जो आप बोल सकते हो उसको सलाइन के बाटले भी लगने पड़ सकते हैं। उसके कारण डॉग की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, आपका डॉग हेल्दी है तो वीक हो जाता है। तो ये सब कुछ ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए छोटी सी वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा लास्ट तक। और जिन लोगों को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी ज़रूर कर सकते हैं आप। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसे लगे, क्या राय, कमेंट सेक्शन ज़रूर से आप कुछ ना कुछ आप ज़रूर से लिखिएगा ताकि मुझे पता रहेगा कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छी लग रही है या फिर बुरी लग रही हो। आपके पास, आप में से बहुत सारे लोगों के पास छोटी नस्ल होगी, बड़ी नस्ल होगी, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ या बड़े साइज़ के डॉग भी होंगे, या फिर डेंजर डॉग बोल सकते हैं आप, फ्रेंडली डॉग बोल सकते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं, वैसे आप सभी के पास अलग अलग प्रकार के डॉग होंगे। और आपने देखा होगा कि स्ट्रीट डॉग कभी कभार जो है बाहर की कभी कभी गंदे की चीज़ें खा लेते हैं या फिर घास भी खा लेते हैं, तो उनको कुछ नहीं होता। और आपके डॉग को अचानक से आपका डॉग कुछ भी खा लेता है तो उनको क्यों ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसके साथ और एक प्रॉब्लम होती है, वो है कि डॉग के आंखों में से कीचड़ निकलना। ऐसे बहुत सारे डॉग हो जिनके आंखों में से कीचड़ निकलता है, और ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। डॉग के पेट के अंदर होता है, उसके अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं, जैसे कि राउंड वॉर्म बोलते हैं, टैप वॉर्म्स बोल सकते हैं उसको, हुक वॉर्म्स बोल सकते हैं, या फिर व्हिप वॉर्म्स बोल सकते हैं। ये एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो डॉग के पेट के अंदर होते हैं, उसके कारण आपका डॉग ये सारी हरकतें करता है। तो ये पेट के कीड़े से आपका डॉग ये सारी हरकतें करता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही उसका आप बोल सकते हैं उपाय है, वो है कि इसका डिवॉर्मिंग करना। डिवॉर्मिंग आप अपने डॉग का हो या पपी का हो, अगर आप टाइम टू टाइम करते तो ये सारी हरकतें जो डॉग करता है कि गंदगी खाना, गोबर खाना या आँख में से कीचड़ निकालना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। डिवॉर्मिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, अगर आपको जानना है और भी ज़्यादा तो ऊपर आई बटन में आपको दे दूँगा। तो फिलहाल मैं आपको इसमें बताता हूँ कि डिवॉर्मिंग कैसे करनी चाहिए। तो डिवॉर्मिंग की टैबलेट आपको कोई भी जो है डॉग शॉप हो गए या फिर डॉक्टर के पास मिल जाएगी आपको, वो डॉग के वेट के हिसाब से देना पड़ता है, यानी जितना उसका वजन है उस हिसाब से उसकी टैबलेट देनी होती है। तो वो आप अपने डॉग का वजन कीजिएगा, उस हिसाब से आपको देना है। ये आपको कब देनी है मैं आपको बताता हूँ। ये जो डॉग को जो है भूखे पेट आपको देनी है, अगर आप खाली पेट में देते हो डॉग को तो वो जल्दी से असर करता है, नहीं तो डिवॉर्मिंग फेल भी हो सकती है। अगर खाने के बाद देते हो या फिर आपका डॉग का पेट भरा हुआ तब आप उसे देते हो तो ये काम नहीं करेगी। तो इससे सबसे अच्छा तरीका है, आपको क्या करना है कि सुबह उठ के आपके डॉग को ये डिवॉर्मिंग टैबलेट दे देनी है, जितनी एक या दो टैबलेट आती है, जितना आपका डॉग का वजन या पपी का वजन हो उस हिसाब से। और आपको बता दूँ कि आप अगर खाली पेट देते तो उसका ज़्यादा चांसेस है कि आपके डॉग की डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल हो जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो डिवॉर्मिंग टैबलेट में किसी और में खाने के अंदर मिला के देते हैं, या फिर कुछ ऐसे जो मीठी चीज़ें या फिर कुछ भी खाने के अंदर मिला के देते हैं तो और डॉग वो डिवॉर्मिंग खा लेता है, यानी वो टैबलेट खा लेता है। बट ये तरीका काफ़ी गलत है, इससे डिवॉर्मिंग जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी ध्यान रखिएगा कि डिवॉर्मिंग की टैबलेट आप ऐसे ही उसके मुँह के अंदर छोड़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा जो सेकेंड चैनल है मैंने उसके ऊपर बना के रखी, उसकी वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं कि आपने डॉग को कैसे दवाई देनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने बताया था कि जिसे स्ट्रीट डॉग बाहर की ख़राब चीज़ें खाते हैं या फिर घास खाते हैं तो वो नेचुरली डिवॉर्मिंग करते हैं, वो गंदगी चीज़ें खाते हैं, ऐसे मतलब जब बोटी वगैरह हो गई या फिर गोबर वगैरह खा के वो नेचुरली डिवॉर्मिंग करते हैं और जो पेट के कीड़े हैं वो उससे मर जाते हैं। बट आप अपने डॉग को ऐसा नहीं कर सकते, आप टैबलेट ज़रूर से लाइएगा। अगर आपने स्ट्रीट डॉग एडॉप्ट किया तो आप उसे भी टैबलेट दे सकते हैं, डॉक्टर की राय आप ले लीजिएगा, उसका वज़न चेक कीजिएगा, उस हिसाब से आप उसे दें तो वो भी अच्छा रहेगा। डिवॉर्मिंग करने से डॉग की हेल्थ काफ़ी अच्छी खासी इंक्रीज़ भी हो जाती है, उसके हेयर शाइन करते हैं, बार बार बीमार नहीं पड़ता। और ये आपको 6 महीने या 4-5 महीने के बाद तो ज़रूर से करानी है, ऐसा हो सके तो आप कम से कम 7 या 6 महीने के बाद कराए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो डॉग के बेनिफिट और डॉग को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो डिवॉर्मिंग आप टाइम टू टाइम ज़रूर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से ज़रूर करना, कुछ आपको क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।